टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बॉर्डर वाले कुर्ती के कमीज की कटिंग बताऊंगी कि हम बॉर्डर वाले कमीज को कैसे कटिंग करते। तो चलिए, ये फैब्रिक हमने लिया है, ये फैब्रिक हमारा है। अब इसमें हमें कटिंग करनी है अपनी कुर्ती की। तो ये देखिए साइज, यहाँ साइज लिखा हुआ है। लंबाई है 38 इंच, 38 इंच, शोल्डर है 35 इंच, चेस्ट है 32 इंच, कमर है 28 इंच, हिप है 32 इंच, बाजू की लंबाई है 18 इंच, बाजू की गोलाई है 4 इंच, मतलब 4 × 8 इंच। तो चलिए हम इस वाले फैब्रिक से कटिंग करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा कटिंग होगा। तो हम इससे अपनी बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमारा आड़ा और खाड़ा है, इधर की तरफ से रहना चाहिए, तो इसमें नीचे की तरफ से दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम करते हैं, तो हम इधर से लेंगे इस तरीके से फैब्रिक को और बैठाएंगे। हम पहले पूरा इसको ओपन कर लिए हैं। अब हम एक पार्ट्स को निकालने के लिए हमें इस तरीके से लेनी होगी। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से बिछा लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें अपना मैनेजमेंट लेते हैं, हमें कैसे लेना है। तो इस तरीके से हमने बिछा लिया। अब हम लंबाई देख लेते हैं। तो हमारी टोटली कंप्लीट होना चाहिए 38 इंच, यानी 38 इंच। तो ये हमारा 39 इंच हो रहा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ हमें शोल्डर लेनी है। तो शोल्डर हमारा 15 है, तो 15 का हम 7.5 लेंगे यहाँ, यहाँ इस तरीके से, और हम 7.5 पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क, ये हमने 7.5 पे एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम 1 7 इंच पे मार्क करेंगे, एक ये 7 इंच पे हो गया, एक हम करेंगे 14 इंच पे। तो एक हम मार्किंग 14 इंच पे कर लेते हैं, और एक करेंगे हम 21 इंच पे। तो हम एक मार्किंग 21 पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे लाइनिंग। इस तरीके से बिल्कुल फिटिंग पे करेंगे, ये हम पहले लाइनिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेंगे 7 इंच ये, और सीधा लाइनिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ लेना है चेस्ट। तो फ्रेंड्स, हमें चेस्ट हमारा 32 इंच, ये देखिए 32 का हम ये चौथाई भाग लेंगे, तो हमारा 8 इंच आ रहा है। तो हमें एक मार्किंग 8 पे कर लेंगे, ये हमारा बिल्कुल फिटिंग हो गया। अब हमारा कमर है, तो फ्रेंड्स हमारा कमर है 28 इंच, तो 28 का फिर हम चौथाई भाग लेंगे। तो यहाँ देखिए, हम इस तरीके से टेप को ही ले लेते हैं और इसका चौथाई भाग कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल फिटिंग वाला मार्क लगेगी यहाँ 7 इंच पे। अब फिर हमें ये देखना है, तो ये हमारा हिप है, तो हिप हमारा फिर 32 इंच है, तो फिर हम 32 का चौथाई भाग लेंगे। तो इस तरीके से हम फिर टेप को मोड़ लेंगे, इस तरीके से 32 का चौथाई भाग लेंगे, इस तरीके से। तो हमारा 8 इंच ये आ रहा है। अब हम सब में 2 इंच का लूजिंग देंगे, ये देखिए, जो कि हमारा मार्जिंग रहता है, वो मार्जिंग ये हो गया। फिर इसमें हमें मार्जिंग देना है 2 इंच का, तो ये मार्जिंग हो गया। फिर इसमें हमें मार्जिंग देना है 2 इंच का, तो ये मार्जिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये फिट हो वाला मार्क लग गया मार्क। हम मिलाएंगे कैसे, वो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ से फ्रेंड्स, हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है आर्म होल की, तो ये हम कॉलर वाला बनाना है। तो ये देखिए, तो अब हम इसमें गोलाई सेफ दे देते हैं, तो ये दे दिए। अब इसको बिल्कुल हमें फिटिंग पे मार्क कर लेना है यहाँ। तो ये हमारा बिल्कुल फिटिंग वाला मार्किंग आ रहा है इस तरीके से। फिर हम इसको यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और ये हमारी मार्जिंग वाली आ गई। ये मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कटिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखिए।
तो हमें नीचे से बिल्कुल बराबर से मिलाते जाना है। तो ये हमने मिला लिया फ्रेंड्स, अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हमें आर्म होल कटिंग करना है, तो वो देखिए, तो इस तरीके से हमें आर्म होल कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तरह एक पल्ला हमारा निकल गया, ये बिल्कुल फिटिंग। अब इसी तरीके से यही पल्ला को रख के हमें दूसरे वाले की कटिंग करनी है, तो वो करते हैं। ये हमने जो इतना एक्स्ट्रा है जो कि हमारी इस तरीके से हेम होगी, स्टिचिंग में जाएगी। अब सेम इसी तरह हमें दूसरा पल्ला कटिंग करना है, तो अब हम इसको बैठा के काट लेते हैं। इस तरीके से इस वाले फैब्रिक को हम मोड़ लेंगे, बिल्कुल बराबर से हमें कटिंग करना है। इस तरीके से हम रख लेते हैं। हम रख लिए इस तरीके से, अब कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बराबर से इसी तरह हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ हमें आर्म होल कटिंग करना है, हम उनका सा ऊपर से छाक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों पल्ला निकल गया, ये हमारा फ्रंट वाला और ये हमारा बैक वाला, बिल्कुल बराबर से हमने निकाल लिया। अब हमें इसमें बाजू की कटिंग करनी है, तो वो बताते हैं बाजू कटिंग कैसे करना है। वो देखिए, तो इस तरीके से हमने फैब्रिक ले लिया, अब इसी से हमें बाजू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, तो इस तरीके से हम फैब्रिक को डबल करके हम नाप लेंगे। पहले हमें कैसे निकालना है निकालेंगे, तो बाजू निकालने के लिए हमें इस तरीके से, ये बॉर्डर वाली है तो पहले हम प्लेन वाला निकाल लेंगे, उसके बाद बॉर्डर इसमें मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से हम मोड़ लिए, और हम पहले गोलाई नाप लेंगे। तो गोलाई हमारा 4 इस तरीके से हम रख लेंगे, और इसमें हमें सेफ देना है। हम इस तरीके से सेप देंगे, ये देखिए, और लंबाई हमारा 17 इंच होना चाहिए, तो ये हमारा हो रहा है 15, और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें से जोड़ेंगे बॉर्डर से। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से इसमें ज्वाइंट करने के लिए हमें निकालना होगा। दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से इसको
यहाँ से हमें कट करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें बॉर्डर ज्वाइंट हो जाएगी ये, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बॉर्डर वाला कुर्ती कटिंग करना सबसे इजी मेथड है। आपको हमने बता दिया, ये बॉर्डर हमें पतली पतली दो कट की है, इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग आपको कैसी लगी बॉर्डर वाली कुर्ती की, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।